जैसे शिबा इनू का इवेंट पास आता जा रहा है, यानी कि जैसे शिबेरे माने की डेट पास आती जा रही है, वैसे शिबा इनू का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें, जो मैंने आपको आज से एक हफ्ता पहले बताई थी कि ये पोलकाडॉट, लाइटकॉइन, पॉलीगॉन, इन सभी कॉइन्स को काटने वाले हैं, और ये आज चीज हम बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं। यानी कि इसकी पोजीशन 14th और 15th के आसपास चल रही थी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, और अभी इसका मार्केट कैप इतनी तेजी से बढ़ा है कि अभी ये 11th पोजीशन तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा शिबा इनू बुलिश हो चुका है। यही कारण है कि आप ट्विटर एक्स के ऊपर देख सकते हो कि हर जगह पे शिबा इनू की पोस्ट ही डल रही है, हैशटैग शिबा इनू बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इसकी आखिर सच्चाई क्या है और शिबा इनू का प्राइस कहां तक जा सकता है और कब बढ़ेगा, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि जब से जो शिबा टोकन का अपना खुद का इनका जो ऑफिशियल हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट आया है सून के नाम से, सून के साथ टीएम लगा हुआ है यानी कि ट्रेडमार्क लगा हुआ है, तब से और भी ज़्यादा शिबा इनका प्राइस बुलिश हो चुका है। तो सून का मतलब यहाँ पे क्या है कि शिबेरियम का जो मेननेट है वो बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रहा है। एक्चुअल में क्या है कि अभी नेक्स्ट वीक आने वाला है, नेक्स्ट वीक यानी कि अभी एक दिन के बाद यानी कि संडे के बाद नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा, जब क्या है कि दो बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्टिक कॉन्फ्रेंस होने वाला है और इसी के साथ ईथ हैकाथॉन होने वाला है जो कि कनाडा में है। तो ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश चल रही है, बिटकॉइन ETF की न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा आ रही है अभी मार्केट में, जिसकी वजह से सारे ऑल्टकॉइन्स भी अभी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। तो जो इवेंट आने वाला है ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्टिक कॉन्फ्रेंस, ये शिबेरियम का मेन नेट भी उसी दिन रिलीज होने वाला है जो कि टोरंटो कनाडा में होगा, और ये मोस्ट प्रोबेबली 15 से 16 तारीख के बीच में होने वाला है। अभी 12 तारीख चल रही है, यानी कि ट्यूसडे या फिर थर्सडे के बीच में शिप टोकन का शिबेरियम लॉन्च होने जा रहा है। इसी के साथ आज के दिन अगर हम देखें तो शिप का जो बर्न रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। आज अगर हम देखें तो 18.7 मिलियन शिबा इनू टोकन को डेट वॉलेट में डाला गया है। करंटली जो आप देख पा रहे हैं प्राइस ये है 0.00011, और ये प्राइस मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्राइस बहुत जल्द अचीव होने वाला है क्योंकि एक पुल बैक आना था और पुल बैक उसी दिन आ गया था जिस दिन मैंने आपको बताया था। पुल बैक के बाद ये प्राइस इजीली अचीव हो चुका है। अभी अगर हम नेक्स्ट टारगेट्स की बात करें तो ये बहुत ही ईजिली 0.00001188 तक जाने वाला है, और वैसे भी ये प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है यानी कि यहाँ तक पहुँचने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो आप देख सकते हैं कि इवेंट की न्यूज़ और यहाँ पे जो ट्वीट किया गया है उसकी वजह से जो शिबा का टोटल मार्केट कैप है वो 6 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने के साथ साथ अगला जो टोकन है यानी कि ट्रॉन को भी कम्पीट ऑलरेडी कर रहा है, क्योंकि ट्रॉन का है 6.9 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप और इसका है 6.5 बिलियन डॉलर मार्केट कैप, और बहुत ही ईजिली ये नेक्स्ट स्पॉट भी अचीव करने वाला है। अब एक और चीज़ जो होने वाली है यानी कि यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो सतोशी कोसामा है वो अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है, जो असली आइडेंटिटी है, उसको वो मास्क करने वाले हैं, यानी कि सामने अभी भी वो नहीं लाएंगे। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इस इवेंट के जो मेजर स्पॉन्सर हैं, सबसे बड़े स्पॉन्सर जो है वो सतोशी कोसामा ही हैं। तो आप कुछ सोच सकते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा जो इवेंट है क्यों स्पॉन्सर किया, सबसे बड़ा स्पॉन्सर क्यों बने, क्योंकि इनको पता कि इन्होंने बहुत ही बड़ी चीज़ लॉन्च करनी शिबा इनू के इकोसिस्टम की, जो कि शिबेरियम लेयर 2 सॉल्यूशन बोला जा रहा है। तो इस इवेंट के साथ साथ कई सारे यहाँ पे वैल्यूएबल एक्सपर्ट्स भी ज्वाइन करने वाले हैं, कई सारी फंडिंग्स भी आने वाली हैं, पार्टनरशिप्स ऑलरेडी चल रही हैं, कोसामा की पार्टनरशिप इनके साथ हुई है। ऑलरेडी कोसामा ने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें इक्वेशन में ये बताया गया शिप इज ग्रेटर देन एक्स, यानी कि शिप की जो आर्मी है या फिर शिप में जो लोग जुड़े हैं वो एक्स से भी बड़े हैं। अब एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स का मतलब ट्विटर है, यानी कि ट्विटर से भी बड़ा शिप बन रहा है और बनने वाला है, और अगर एक्स यानी कि ट्विटर अगर अपना खुद का कॉइन लॉन्च भी करते हैं तब भी जो शिप है उससे बड़ा रहेगा। तो हमने पिछले एक सवा महीने के अंदर 25% से भी ज़्यादा इंक्रीज देखा है सिर्फ शिबेरियम की वजह से। अब शिबेरियम में नहीं, यहाँ पे पहले एक टेस्टनेट आया था, अभी मेननेट लॉन्च होने जा रहे हैं, जितने भी टेस्टनेट के ऊपर वैलिडेटर से वो धीरे धीरे ऑलरेडी मेननेट के ऊपर मूव होना शुरू हो चुके हैं, और बहुत ही बड़ी अपडेट ये है कि SSI यानी कि सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी जो है वो भी लॉन्च करी जाएगी, यानी कि हमारी खुद की डिजिटल आइडेंटिटी होने वाली है, और इस चीज़ को स्पॉन्सर करने के साथ साथ जो इसको पावर करने वाला है वो शिबा इनू ही रहेगा, और ये कनाडा और यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को अनाउंस किया जाएगा। अब इसके साथ साथ और क्या चीज़ हुई है, फोमो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है शिबा इनू को लेकर। फोमो का मतलब एक बार जान लीजिए, इसका मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि सबको ये डर लगता है कि अगर मैं यहाँ पे मिस कर दूंगा, ये प्राइस पे बाय नहीं किया तो शायद हाथ में ही नहीं आने वाला, जिस कारण बाइंग बहुत ही फास्टली आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे सिर्फ शिबा इनू के सेंटीमेंट्स अच्छे नहीं है बल्कि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स देखे तो वो भी न्यूट्रल चल रहे हैं। और आज के दिन अगर शिबा इनू शिबा टोकन का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर अगर सून TM ना लिखा होता तो शायद इतनी बड़ी रैली ना भी आती।
अब दोनों शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस में 23 बिलियन डॉलर के ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस आ चुकी हैं, यानी कि इतना ज़्यादा एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है शिबा इनू में कि इसमें चाहे आप लॉन्ग कर रहे हो चाहे आप शॉर्ट कर रहे हो, दोनों साइड ही बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली बाइंग चल रही है। लेकिन कल के दिन एक चीज़ और इन्होंने ट्वीट करी थी, वो ये बोला था कि अभी एक और स्पेशल फीचर है जो है बोन टोकन। जो बोन है वो टोकन ऑफ द वीक रहने वाला है, यानी कि पूरा हफ्ता जो आने वाला है इवेंट वाला उसमें बोन टोकन को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यही कारण है कि हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप बोन टोकन को भी बाय करें। और वैसे भी अगर आप टॉप टोकन्स की बात करें, 7 डेज का आप डाटा ले लो या फिर 24 घंटे का डाटा ले लो, तो इसमें आपको टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक बोन शिबा स्वैप वाला भी दिख जाएगा। वैसे देखा जाए तो जो शिबा इनू है ये 11th बिगेस्ट क्रिप्टोकरेंसी बन चुकी है मार्केट कैप के हिसाब से, और वो दिन दूर नहीं है जब फिर से दोबारा शिबा इनू डॉज कॉइन को फ्लिप करने वाला है, क्योंकि शिबा इनू मार्केट में सिर्फ इसलिए उतरा था कि वो डॉज कॉइन को एक समय पे आके बिल्कुल ख़त्म कर दें। अब जब शिबा इनू का ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया तो इससे बिटकॉइन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे जो बिटकॉइन की मार्केट है वो लगातार वीक होती जा रही है और शिबा इनू मार्केट को पूरे तरीके से पलट रहा है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ जिसमें शिबा इनू के कुछ और अपडेट्स आपको देने वाला हूँ। एंड अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में टोकन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, जैसे कि लास्ट टाइम हमने एसटी के बारे में पूरी डिटेल में बात करी थी, डेप्थ में गए थे कि क्या वो एक्चुअल में सही बाय करने के लिए है या नहीं, क्योंकि एसटी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स का स्कैम किया इंडिया में, तो वो वीडियोस जाकर जरूर चेक कर लेना। और इसी के साथ मैं जो हमारे एक्सचेंजेस हैं उनको लेकर भी वीडियो सुनाता रहता हूँ। लास्ट आप ज़ेप्पे का वीडियो देख सकते हैं, ज़ेप्पे किस तरीके से लूट रहे और उससे आपने कैसे बचना है वो भी आपको बताया गया लास्ट वीडियो में। और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्टेड ऑफिशियल आप सर्च करके या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।